आज हम वो एक्स्ट्रा नॉलेज को थोड़ा और बूस्टअप करते हैं कुछ और नए एम देखते हैं ना, और आज हम देखने वाले हैं सिलेबस बुक से नंबर सेवेंटी वन टू एटी के एम नंबर सेवेंटी वन टू एटी के एम चलो तो जब आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं ऐसा चाहूंगी कि आप अपनी सिलेबस बुक लेके बैठे अगर आप सिलेबस बुक लेके बैठेंगे और उसमें ही सेवेंटी वन टू एटी मेरे साथ आप पढ़ते जाएंगे लर्न करते जाएंगे सो इट्स सो ईजी टू लर्न फॉर यू राइट सो प्लीज टेक आउट योर सिलेबस बुक फ्रॉम योर बैग एंड रेसीटेट विथ मी ओके वेन यू विल बी सी माई वीडियो एट दैट टाइम इन योर हैंड मस्ट बी अवेलेबल योर सिलेबस बुक ओके आपके हाथ में कंपल्सरी सिलेबस बुक होना चाहिए तो ही आप अच्छे से मेरे साथ में लर्न कर पाएंगे इट्स ओ इजी, यस, अभी रीडिंग कंपटीशन था तो काफ़ी बच्चों ने रीडिंग नहीं किया है फर्स्ट बी फर्स्ट ए के सिर्फ फाइव फाइव स्टूडेंट्स आए सो यू मस्ट हैव टू स्टार्ट रीडिंग आपको रीडिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा बच्चों अगर रीडिंग नहीं करेंगे तो तो कितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे रीडिंग करना नहीं आएगा और मे बी सेकेंड स्टैंडर्ड में जाने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाए। सो so दैट्स जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोग हमारे साथ आपकी सिलेबस बुक या टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठिए और उसमें से हमारे साथ रीडिंग करने का ट्राई कीजिए काफी पेरेंट्स की ये भी कंप्लेन थी जब रिजल्ट लेने आए थे तो कि uh, मैडम हमारे बच्चे को नहीं समझ में आता है उसे नहीं बोलना आता है सिर्फ टू लेटर वर्ड्स थ्री लेटर वर्ड्स ही बोलते हैं सो so, मैं यही चाहूँगी कि आज से आप लोग जो भी हम लोग रीडिंग कर रहे हैं जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं ई में इंग्लिश में जी में ग्रामर में कोई भी सब्जेक्ट में सो यू मस्ट हैव टू आउट योर सिलेबस बुक ब्रिंग आउट योर टेक्स्ट बुक एंड जब हम रीडिंग करते हैं लाइन टू लाइन तो आप भी उसमें फिंगर आउट करके देखिए है ना जैसे मैं वन लाइन रीड करती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ फिर वन लाइन रीड करती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ सेम मनीषा मैम भी करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक और सिलेबस बुक अपने साथ रखनी है और अपने साथ ही हमारे साथ साथ उसको पॉइंट आउट करना है और पढ़ना है जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ पे वीडियो स्टॉप कीजिए रिवाइंड कीजिए और अगेन प्ले कीजिए ताकि वो आपके लिए ईजी हो जाए आप भी उसको अच्छे से रीड कर सके फाइन स्टूडेंट्स चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं जीके के एम सो सेवेंटी वन टू एटी चलो स्टार्ट करते हैं विच वॉज द फेवरेट स्वीट ऑफ लॉर्ड गणेश लॉर्ड गणेश आप लोगों को पता है कौन है वो श्री क्या कहते हैं पार्वती माता और शंकर भगवान के पुत्र है सन ऑफ द लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस दुर्गा राइट एंड ही इज अ वेरी नॉटी गॉड वो बहुत ही नॉटी है भगवान जी और बहुत ही क्यूट भी है है ना और उनकी फेवरेट स्वीट uh, मोदक है कौन सी है मोदक गुलाब जामुन नहीं है श्रीखंड नहीं है उनकी फेवरेट स्वीट है मोदक नंबर सेवेंटी टू Which was the favorite flower of Goddess Lakshmi? Yes, Goddess Lakshmi के favorite flower कौन से hai Rose, lotus, sunflower. वैसे तो उनकी सबसे फेवरेट लोटस है है ना पर जब उनकी पूजा करते है तो रोज भी उनकी पूजा में हम लोग रखते हैं बट उनका जो सबसे फेवरेट फ्लावर है वो है लोटस तो what इज द स्पेलिंग ऑफ लोटस l-o-t-u-s l-o-t-u-s lotus so what is the correct answer the correct answer is lotus right number 73 we should always speak dash to our teachers parents and elders politely rudely loudly oh no लाउडली बोलना चाहिए नहीं रूडली बोलना चाहिए नहीं पोलाइटली बोलना चाहिए पोलाइटली मतलब नम्रता से बहुत प्यार से बात करनी चाहिए अच्छे टोन में बात करनी चाहिए रूडली मीन्स बहुत हार्श टोन होता है हार्श टोन मतलब नहीं मैंने नहीं किया दैट इज रूडली एंड लाउडली नो आई एम नॉट डन हाउ आई टाइम टोल्ड यू सो दाउली एंड पोलाइटली नहीं मैम मैं नहीं कर पाई मुझसे नहीं हुआ सो दोलाइटली राइट सो यू शुड हैव टू स्पीक योर टीचर्स पेरेंट्स एल्डर्स पोलाइटली राइट नेक्स्ट नंबर नंबर सेवेंटी फोर डैश इज द टॉलेस्ट एनिमल ये ये तो बहुत ईजी है हम लोगों ने ईवीएस में पढ़ लिया है सो विच इज द टॉलेस्ट एनिमल मंकी जिराफ माउस ओ माउस तो छोटा सा होता है ना एंड मंकी मंकी इज नॉट मोर टॉलेस्ट सो विच वन इज द टॉलेस्ट एनिमल जिराफ राइट विच एनिमल लिव इन वॉटर

विच एनिमल लिव इन वॉटर फिश सो चलो हम हम सेवेंटी वन टू सेवेंटी फाइव एक बार रिवाइज करेंगे आफ्टर दैट विल सी नंबर सेवेंटी सिक्स टू एटी विच वॉज द फेवरेट स्वीट ऑफ लॉर्ड लॉर्ड गनीशा सो मोदक एम ओ डी ए के मोदक मोदक इज द फेवरेट डिश ऑफ लॉर्ड गणेशा Right? Which was the favorite flower of Goddess Lakshmi? Lotus. L O T U S. Lotus. Okay. The first one, the spelling of M. So, let's start the writing of the spelling. First, the spelling is Modak. M O D A. Okay, this is the favorite dish of Lord Ganesha. Okay, and which is the favorite flower of Goddess Lakshmi? So lotus. L O T U S lotus, right? M O D A K mudak. Second answer is L O T U S lotus. Fine students. Now next. Oh, uh, number seventy-three. We should always speak politely with our parents, elders, teachers, etc. So politely, P O P O L I T E light, L -y

Dash is the tallest animal. Giraffe. G-I-R-E Double F E G I R E Double -f, -f, -f. -e -f, F E. Fine. Giraffe. G I R A Double -f, -f, F E. Giraffe. Giraffe is the tallest animal and which is the fastest animal cheetah who is the fastest animal cheetah now which animal live in the water who is live in the water fish so, what is the spelling of fish? F I S H. Fish. F I S H. Fish. Fish. Fish can. Uh, animal live in the live in water. Fish, right? Now, number six seventy six. Dash is called the sheep of desert. Camel. Who is the sheep of desert? Camel. C -A -M -E -L. C-A-M-E-L. Camel. C-A-M-E-L. Camel. Right? Who is the sheep of desert? Camel. Camel is the sheep of desert. Right? Camel is the sheep of desert. So, what is the spelling of camel? C -A -M -E -L. C-A-M-E-L. Camel. C A M E L camel. Who is the sheep of desert? Camel. C A M E L camel. Right now, uh, our nose help us to uh, uh, smell. Yes, we can hear from our nose. No, we can taste our nose. No. We can smell our nose. So, our our nose help us to smell. Good smell, bad smell, all smell. So, what is the smelling of smell? S M E L L. Smell. S M E L L. Smell. Right? Next. मोगली इज डैश माउस नो कैट नो बॉय यस मोगली इज अ बॉय जो जंगल बुक में होता था ना जंगल बुक नाम की जो मूवी थी उसमें जो फॉरेस्ट में रहता था लड़का पता है जिसके फ्रेंड्स फॉक्स थे धैन बेयर था धैन बगीरा था और उसका जो एनिमी यानी दुश्मन था वो कौन था शेर खान सो so, आपने इसका चैप्टर इंग्लिश में भी लर्न किया है राइट right? इंग्लिश में भी इसका चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है राइट right? सो मोगली इज अ बॉय मोगली इज अंबर सेवेंटी नाइन टॉम इज अ डैश अब ये कौन सा टॉम है टॉम एंड जेरी की कार्टून का जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था है ना एक आ, आ, वो कौन सा क्वेश्चन था हिमा वाला हिमावारी तब मैंने आपको बताया था ना कि वैसे तो बहुत सारे कार्टून आते हैं वैसे तो बहुत सारे कार्टून आते हैं जैसे की लिटल सिंगम मोटू पतलू छोटा भीम रुद्रा है ना तो वैसे ही एक और कार्टून आता है जो मैं भी छोटी थी तब देखती थी और वो मेरा बहुत फेवरेट कार्टून था आज भी मेरा फेवरेट कार्टून है आज भी अगर वो कार्टून आता है तो मुझे देखना बहुत पसंद है एंड दैट इज टॉम एंड जेरी राइट दैट इज टॉम एंड जेरी आई लाइक टॉम एंड जेरी कार्टून वेरी मच सो इन दैट कार्टून टॉम इज अ कैट एंड जेरी इज माउस राइट

एम ए जी आई सी आई ए एन अब ये जो स्पेलिंग है इट्स अ लॉन्ग स्पेलिंग एम सॉरी एम ए जी आई सी आई ए एन सो यू हैव टू लर्न टू टू लेटर्स राइट एंड ईजिली यू कैन लर्न एम ए जी आई सी आई ए एन मैजिशियन वाओ इट्स न एम ए जी आई सी मैजिक आई ए एन शियन मैजिशियन इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं और एम ए जी आई सी आई ए एन मजिशियन इस तरह से भी आप लोग लर्न कर सकते हैं स्पेलिंग ऑफ द मैजिशियन इट्स लिटल बिट लॉन्ग स्पेलिंग बट यू कैन इजिली लर्न इट Uh, with the, with this method to do or uh, uh, use to do words right, right. Chalo, let's see the number seventy one to eighty again. So, which uh, which was the favorite sweet dish of Lord Ganesha? Modak, M O D A K, modak. Which was favorite flower of Goddess Lakshmi? Goddess make a favourite flower kaunsa Lotus. L-O-T-U-S. Lotus. Then uh, we should always speak politely to our teachers, parents and elders. Right. Now Dash is the tallest animal. Giraffe. G-I-R-A-F-F-E. Giraffe. Dash is called the... Sorry, which animal live in water? Fish. Which animal live in water? Fish. Dash is called the sheep of desert. Camel. Our nose help us to smell. Now, Mowgli is a boy. Tom is a cat. Who shows us magic trick? मैजिशियन एम ए जी आई सी आई ए एन राइट स्टूडेंट सो ये हमारे ये हमारे जीके के एम सी क्यूज हो गए नंबर सेवेंटी वन टू एटी ओके सो इट्स सो इजी यू मस्ट हैर्न एंड राइट इन योर होमवर्क बुक एंड यू हैव टू लर्न ऑल आंसर राइट यू हैव टू लर्न ऑल आंसर और जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस बुक अपने साथ में लेके बैठिएगा और जैसे मैंने रीड किया है वैसे आप लोग भी रीड करने की ट्राई कीजिए और डेफिनेटली आपका धीरे धीरे जो रीडिंग है वो इम्प्रूव होता जाएगा हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टिल धैन इंजॉय योर डे है मैं हर बार यही एक की एक चीज आपको बताती हूँ फिर भी काफी पेरेंट्स ऐसे जो बच्चों को लेके बाहर चले जाते हैं कहीं घूमने चले जाते हैं शादी में चले जाते हैं फिर वो उनका पॉजिटिव आ जाता है सो so, इसीलिए कहती हूँ घर में रहिए सुरक्षित रहिए बाहर का खाना मत खाइए ठीक है थीके? I'm in next session may enjoy your day, have a nice day, bye bye.